उसमें बीजेपी पॉलिटिशियंस की इंस्टिगेशन और इन्वॉल्वमेंट थी, पुलिस खड़ी नहीं थी, पुलिस शामिल भी हुई है कई जगह, और उसके बाद जो लोग ज़्यादातर विक्टिम्स थे मुस्लिम कम्युनिटी के, आज उनको कॉन्स्पिरेटर्स दिखा के उनके ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी के केस दर्ज कर रही है। तो आप मीडिया कहते हैं, वो मीडिया नहीं है, वो दलाल है, सरकार की एक विंग है। इस वक्त हमारे साथ कैरावन मैगजीन के पॉलिटिकल एडिटर हैं। डेली राइट्स को एक साल पूरे हो गए हैं, उस राइट्स को आपकी मैगजीन ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया, कई स्टोरीज बाहर आई, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, कवरेज तो तब से लेके अब तक जो है उसके पहलू सामने क्लियर हैं कि उसमें बीजेपी पॉलिटिशियंस की इंस्टिगेशन और इन्वॉल्वमेंट थी, उसमें राइट विंग मॉब्स इन्वॉल्व थे, हिंदू फंडामेंटलिस्ट मॉब्स थे, पुलिस की अबेटमेंट थी, सिर्फ पुलिस खड़ी नहीं रही, पुलिस शामिल भी हुई है कई जगह, और उसके बाद जो लोग ज़्यादातर विक्टिम्स थे मुस्लिम कम्युनिटी के, आज उनको कॉन्स्पिरेटर्स दिखा के उनके ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी के केस दर्ज कर रही है। ये प्रक्रिया साफ़ है, और ये प्रक्रिया यहाँ पे किसान आंदोलन में भी रिपीट हो रही है। तो ये पैटर्न बन गया है, और इसके बारे जो रिपोर्ट करता है तो कोई ना कहीं पे हमारे रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग के समय असॉल्ट भी किया गया था नॉर्थ ईस्ट में, बाकी किसान आंदोलन को भी लेके कुछ केसेस हुए हैं। तो ये तो चलता रहेगा, सरकार जो करना चाहती करेगी, हमारा काम है पत्रकारिता करना, हम लोग करेंगे। फिर एक मुख्य धारा की मीडिया है जो अपने तरीके की पत्रकारिता करती है, उससे अलग हट के कुछ स्टोरीज सामने लेके आना कितना मुश्किल हो जाता है? देखिए, मुश्किल तो ये है कि रिसोर्सेज की मुश्किल है, नहीं तो बाकी जो हम काम कर रहे हैं हर एक कोई आदमी कर सकता है, जगह पे जाके लोगों से बात करनी, जो सच्चाई है उसको दर्शानी। बाकी जिसको आप मीडिया कहते हैं, वो मीडिया नहीं है, वो दलाल है, सरकार की एक विंग है। वो मीडिया का काम है कि जो पावर एक्सरसाइज करता है, जो सरकार होती है उससे पावर के एक्सरसाइज के बारे सवाल पूछने, निगरानी रखना। अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप सरकार की दलाली कर रहे हैं। मीडिया रेगुलेशन का जी, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म का, ओटीटी लॉ इसी सिलसिले से जुड़ी हुई है। देखिए, आप जो प्लेटफॉर्म्स को जहाँ पे आप प्लेटफॉर्म के बारे कोई एक्शन लेना चाहते थे, उसके बहाने से आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को लेकर डिजिटल मीडिया जो न्यूज़ और कंटेंट उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस लॉ के दायरे के अंडर नहीं आता है उसको आप बैकडोर से कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वो इसीलिए, क्योंकि अब तक मेन स्ट्रीम के कंट्रोल के बाद आप डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप उसका कोई ज़रिया ढूंढ रहे हैं।